you all are doing well. This is Umair. Welcome to my channel, The Legal Fountain. So today we are going to start a very important subject of constitutional law, and which is the British Constitution. इसे हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या यूके कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो ये सारे नाम इसके हैं. और इसके अलावा हम जो हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी डिस्कस करेंगे और जो है उसके भी लेक्चर्स बनाएंगे और इनके जो है कंपैरिजन जो है इनमें वो भी करते चलेंगे. तो इस लेक्चर में जो है हम बेसिकली जो है सोर्सेज ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सोर्सेज जो हैं कहाँ से वो, मतलब जो लॉज है, जो कानून हैं ब्रिटिश के, वो कहाँ से लिए गए, कैसे जो है ये इमर्ज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो वो सारे सोर्सेज आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरी नई आती हुई जो वीडियोस हो उनके आपको मैसेजेस नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तो इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, सोर्सेज ऑफ जो है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. तो इसको मैं रीड करता जाऊँगा और आपको क्लियर करता जाऊँगा. तो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज़ नॉट टू बी फाउंड इन वन डॉक्यूमेंट. इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाई रेफरेंस टू लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्ट्स, ट्रेडिशंस एंड जुडिशलिसियन. कहता है कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक जो सिंगल डॉक्यूमेंट है, कोई एक ऐसा कागज़ या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, उस पर यह बेस नहीं करता. ये मुख्तलिफ जो है ट्रेडिशंस, मुख्तलिफ जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो जुडिशल डिसीशंस हैं या कोई और जो कवानीन हैं, उनको जो है ना उन पर ये बेस करता है. तो ये सारे मिलकर जो है एक्ट्स वगैरह कानून मिलकर इसको जो है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं. इन द यूनाइटेड स्टेट्स देर इज़ ओनली वन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नेमली द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये मतलब यूएस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बिल्कुल अपोजिट है. तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि एक ही उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है और जो है उसी पर अमल किया जाता है, वही जो है उनका जो लॉ है. लेकिन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नहीं है. उसमें जो है उसकी सोर्सेज मुख्तलिफ जगह से लिए गए हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं. तो उसको हम मज़ीद आगे चल के डिस्कस करेंगे वन बाय वन. और इट सच इज़ नॉट द केस इन इंग्लैंड. बोलता है कि इंग्लैंड जो में है, इंग्लैंड में उसमें ऐसा नहीं होता, मतलब कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता है जैसे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में होता है. देर आर फाइव मेन सोर्सेज ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. दीज आर, अब बोलता है कि जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पांच मेन सोर्सेज हैं. वो पांच मेन सोर्सेज कौन से हैं? नंबर वन, कन्वेंशंस. फर्स्ट जो सोर्स है वो है कन्वेंशन. कन्वेंशन का मतलब क्या है? जो ट्रीटीज़ होते हैं, जो मुआहदे होते हैं वो. तो इसको पढ़ते हैं. फर्स्टली, देर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर बेस्ड ऑन व्हाट डायसे हैज़ कॉल्ड द कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो डायसे इनका एक जो है ब्रिटेन का जो है यूके का एक जूरिस्ट है, जिस वो कहता है कि जो इसका फर्स्ट मेन सोर्स है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन, और उसे क्या कहते हैं, द कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो कन्वेंशंस, जो मुआहदे. तो ये इसका जो फर्स्ट सोर्स है कन्वेंशंस है. इनफैक्ट द वर्कबिलिटी ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड अपॉन द कन्वेंशंस विदाउट व्हिच इट वुड बिकम अनवर्कबल. तो इसका जो फर्स्ट जो सोर्स है वो कन्वेंशंस है. और ये बोलता है कि कन्वेंशंस के बगैर, मतलब कि जो ये इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये इनके बगैर चल ही नहीं सकता. इसका जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या है, वो सोर्स, इसका फर्स्ट सोर्स है वो है कन्वेंशंस. दीज कन्वेंशंस आर रिगार्डेड इज द सेक्रेड एज लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो है इनके पाक कवानीन जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके जो पाक कवानीन, इनको कहा जाता है कन्वेंशंस को, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में. देयर इंपॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट अपॉन व्हिच द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड आर रेगुलेटेड बाय कन्वेंशन. ये इतने ज़रूरी
ज़रूरी हैं, इतने इम्पॉर्टेंट हैं कन्वेंशंस, कि इनके जो बेसिक जो रूल्स हैं जो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, कि यूके में क्या है कि पार्लियामेंट इज़ अ सुप्रीम बॉडी, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन अमंग ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री, तो पार्लियामेंट उनकी सुप्रीम है, तो ये भी कहाँ से आया, ये कन्वेंशन से लिया गया। और उसके बाद जो मिनिस्ट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल होगी पार्लियामेंट को, कोई भी काम करेंगे तो वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगी, पार्लियामेंट को बताएगी हर चीज़ पर, तो ये भी कन्वेंशन से ये चीज़ इसमें ऐड की गई है। उसके बाद कहता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन इन द इंग्लैंड आर द फॉलोइंग। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कन्वेंशन हैं यूके की, इंग्लैंड की, वो बताई गई है। फर्स्ट कन्वेंशन है कि द क्वीन और किंग मस्ट एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो ये एक मुआहदा था, एक कन्वेंशन था कि जो क्वीन या किंग है, मतलब ये जो क्राउन है यूके का, वो कैबिनेट की जो काबीना की एडवाइस है उस पर चलेगा। तो किंग या क्वीन जो भी होंगे क्राउन, वो कैबिनेट की एडवाइस के बगैर कोई काम नहीं करेंगे, उनकी एडवाइस के मुताबिक चलेंगी। ये फर्स्ट कन्वेंशन है। उसके बाद सेकंड क्या है, नो टैक्स कैन बी लेवीड विदाउट द सेंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कि कोई भी ऐसा टैक्स जो है, कोई भी ऐसे मसलात जो है, वो बिना पार्लियामेंट के जो आर्डर के बगैर नहीं लिए जाएंगे, लागू नहीं किए जाएंगे, तो इसमें पार्लियामेंट का आर्डर लाजमी है। उसके बाद थर्ड है द पार्लियामेंट मस्ट मीट एट लीस्ट वंस ए ईयर। ये भी एक कन्वेंशन है कि पार्लियामेंट जो है कम से कम एटलीस्ट साल में एक बार जो है अपना एक इजलास करेगी। उसके बाद फोर्थ है द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स मस्ट बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। तो जो हाउस ऑफ कॉमन है, उनका जो लोअर हाउस ऑफ यूके पार्लियामेंट है, उसमें जो मेजोरिटी पार्टी होगी, तो उसका जो बंदा होगा वही पीएम अपॉइंट किया जाएगा, उसे ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये भी एक इन्वेंशन थी। उसके बाद द कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। तो ये भी इसमें हमने पढ़ा था कि जो कैबिनेट है, उनकी काबीना, वो जो भी मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है कैबिनेट, वो पार्लियामेंट को जो है रिस्पॉन्सिबल होगी हर चीज़ में, वो उनके साथ जो है रुजू करेगी। उसके बाद है एक कन्वेंशन आती है कि पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये उनका जो बेसिक एक प्रिंसिपल आ जाती है कि यूके में जो है वो टू चैम्बर सिस्टम है, बाइकैमरल सिस्टम है। तो मतलब टू हाउसेस होंगे, टू चैम्बर्स होंगे, एक होगा अपर हाउस, एक होगा लोअर हाउस। अपर हाउस उनका कौन सा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसमें एरिस्टोक्रेसी है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें जो कॉमन पीपल हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये दोनों जो हैं इसमें हाउस होंगे, दो चैम्बर्स होंगे। ये भी कन्वेंशन से ये चीज़ ऐड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद ओनली द ला लॉर्ड्स शैल अटेंड द मीटिंग्स द हाउस ऑफ लॉर्ड्स फॉर डिसाइडिंग जुडिशियल डिसीजन। तो ये भी एक कन्वेंशन है कि जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, जो लॉर्ड्स होते हैं, वही जो है मीटिंग्स अटेंड करेंगे किसके, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। मतलब कि कोई हाउस ऑफ कॉमन का या कोई आम बंदा उसके इसकी मीटिंग जो है अटेंड नहीं कर सकता। ये इसमें कन्वेंशन है एक। उसके बाद हम आते हैं सेकंड, हमारा जो सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है चार्टर्स। तो ये कुछ चार्टर्स हैं जो साइन किए गए थे, जिसमें जो है काफ़ी चीज़ें जो है इसमें ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको भी हम रीड करते हैं। द सेकंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रेट चार्टर्स एंड एग्रीमेंट्स व्हिच डिफाइन एंड रेगुलेट द पावर्स ऑफ द क्राउन एंड द राइट्स ऑफ द सिटीजंस एटसेट्रा। तो जो सेकंड इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास, वो है चार्टर्स। और चार्टर्स जो है वो क्या बताते हैं, वो किंग क्राउन जो है उसके पावर्स वो बताते हैं, वो डिफ़ाइन करता है, चार्टर्स वो डिफ़ाइन करते हैं। और जो राइट्स हैं सिटीजन्स के, उधर के इंडिविजुअल्स के जो राइट्स वगैरह हैं, उनको भी ये जो है चार्टर्स डिफ़ाइन करते हैं। तो सच चार्टर्स हैव बिकम हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स एंड देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स, ये चार्टर्स हैं, ये इन्होंने इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि वो एक पार्ट हो गए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, उनको इंक्लूड किया गया है। अमंग दीज डॉक्यूमेंट्स द इम्पॉर्टेंट वंस आर द फॉलोइंग। तो उनमें जो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो इधर मेंशन किए जाते हैं, वो कौन से हैं। फर्स्ट जो आता है इम्पॉर्टेंट, जो है मेन इम्पॉर्टेंट, वो कौन सा है, मैग्ना कार्टा 1215। ये क्या बताता है, डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ द ग्रेट काउंसिल इन इंग्लैंड एंड प्रोहिबिटेड द इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन टैक्सेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द ग्रेट काउंसिल। अब ये ग्रेट काउंसिल क्या है, आप बोलेंगे, ये ग्रेट काउंसिल जो है वो 1215 में जो था वो किसका नाम था,
हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नाम था, पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कहा जाता था ग्रेट काउंसिल ऑफ इन इंग्लैंड, तो ये ग्रेट काउंसिल इसे कहा जाता था, फिर वो बाद में जो है उसका नेम चेंज कर दिया गया और जो है उसका हाउस ऑफ लॉर्ड्स कर दिया गया। तो इसमें क्या है कि उस जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है तो ग्रेट काउंसिल जो है उसके जो है पावर्स डिफाइन किए गए हैं और उसको प्रोहिबिट किया गया है, उसको रोका गया है कि वो क्या ना करे, वो टैक्स जो है वो विदाउट नहीं एंड प्रोहिबिटेड द इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन टैक्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द ग्रेट काउंसिल। हाँ, तो उसमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स है यानी कि जो ग्रेट काउंसिल है उसके उसकी कंसेंट के बगैर जो है वो टैक्सेस लागू नहीं किए जाएंगे। ये पहले जो है ये काम जो था हाउस ऑफ लॉर्ड्स का था, लेकिन आगे चलकर जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स को वीक कर दिया गया और सारे पावर्स जो है वो किंग से क्वीन से और हाउस ऑफ लॉर्ड से लेकर वो सारे जो है हाउस ऑफ कॉमन्स को मिल गए। तो अब जो है अब इस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम में जो जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग है हाउस वो है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये 12-15 की बात है। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा चार्टर है वो है पिटीशन ऑफ राइट्स 1628। It laid down that no person is in England can be compelled to pay any loan, gift or tax without a previous sanction of the Parliament. तो ये एक चार्टर साइन किया गया था 1628 में, जिसमें बताया गया कि किसी भी बंदे को किसी भी इंसान को मजबूर ना किया जाएगा कि वो कर्जा दे या वो किसी वो तोहफा अदा करे या वो महसूलात जो है वो अदा करे, क्या किसके बगैर, पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर। अगर पार्लियामेंट उसको आर्डर देती है तो ये सब काम किए जाएंगे, अगर पार्लियामेंट ने सेंक्शन नहीं किया उसने उसका आर्डर नहीं है तो किसी को भी कंपेल नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है हमारा आता है थर्ड जो चार्टर है वो है बिल ऑफ राइट्स 1689। उसमें क्या बोलता है कि इट मेड द पार्लियामेंट द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी एंड डिक्लेयर्ड दैट इट शैल बी कॉल्ड रेगुलरली। इट आल्सो प्रोवाइडेड लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो ये जो बिल ऑफ राइट्स है इसमें दो काम किए गए। बिल ऑफ राइट्स में फर्स्ट क्या किया गया कि पार्लियामेंट जो है उसको बोला गया कि वो सुप्रीम जो है सॉवरेन जो है लॉ मेकिंग बॉडी होगी उनके जो कंट्री में, कानून साजी की जो जो इंस्टीट्यूशन होगी जो बॉडी होगी वो कौन होगी, पार्लियामेंट होगी और वो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री होगी। और उसके बाद बताया गया कि उसके जो इजलास होंगे वो मतलब रेगुलर बेस पर किए जाएंगे, उनको जो है रेगुलर बेस पे किया जाएगा, इजलास बुलाए जाएंगे। उसके बाद बताया गया सेकंड चीज़ क्या थी कि उसमें एक तो पार्लियामेंट के पावर्स बताए गए और दूसरे जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स बताए गए कि सिटीजन्स के ये राइट्स होंगे, उनकी लिस्ट एक बनाई गई। तो ये इसमें दो काम किए गए बिल ऑफ राइट्स 1689 में। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701, उसमें क्या बताया गया, इट फिक्स सर्टेन रूल्स रेगुलेटिंग द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन टू द ब्रिटिश थ्रोन। तो इसमें जो है ब्रिटिश जो उनका थ्रोन है, तख्त है, उसका जो क्राउन है उसका सक्सेशन, मतलब एक क्वीन जाएगी या किंग जाएगा तो उसके बाद जो है किस रूल्स के थ्रू दूसरा बंदा आएगा और उसका जो सक्सेसर होगा वो कैसे आएगा, तो उसकी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सारे उसमें बताए गए हैं। तो उसको हम अलग से पढ़ सकते हैं लेकिन इसमें सिर्फ उसका जिक्र किया गया है कि उसमें क्या बताया गया, लेकिन उसकी जो डिटेल्स होंगी तो वो पढ़ने के बाद पता चलेंगी। उसके बाद चार्टर है एक एक्ट ऑफ यूनियन विद स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड जो है बेसिकली जो इंग्लैंड है यूके है वो चार कंट्रीज़ पे जो बेस करता है, एक इंग्लैंड, उसके बाद वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये चार कंट्रीज़ मिलकर बनाती हैं यूनाइटेड किंगडम। तो उसमें जो है ये सारी वैसे तो जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ थी जो वो ब्रिटिश कॉलोनी थी, अमेरिका भी ब्रिटिश कॉलोनी था, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब कुछ जो है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सब ब्रिटिश कॉलोनीज थी। तो स्कॉटलैंड जो है उसको ऐड किया गया उसमें किसके साथ, यूके में ऐड किया गया। और वो कब किया गया, 1707 में। और ये जो एक्ट है इसका इसमें क्या किया गया, यूनियन विथ स्कॉटलैंड। तो ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड को मर्ज की कर दिया उसमें यूके में। तो इट कंटेन्स सम प्रोविजंस व्हिच हैव परमानेंटली यूनाइटेड स्कॉटलैंड विथ इंग्लैंड अंडर वन कॉमन गवर्नमेंट। तो ये जो है इंग्लैंड के साथ उसको मर्ज किया गया स्कॉटलैंड को और एक गवर्नमेंट के अंडर उसको किया गया, तो ये एक्ट ऑफ यूनियन ये बताता है। उसके बाद हम आते हैं जो हमारा थर्ड सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्यूट्स।
उसको हम डिस्कस करते हैं. द थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्टेट्यूट्स लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो स्टेट्यूट्स क्या हैं? स्टेट्यूट्स एक किस्म के लॉज हैं, कानून हैं, जो कौन पास करता है? पार्लियामेंट. वहाँ की पार्लियामेंट पास करती है, वक्त के साथ साथ वो मतलब पास करती रहती है, तो उनको हम बोलते हैं स्टेट्यूट्स. तो स्टेट्यूट्स भी एक जो है सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है. जैसे कि कन्वेंशंस थे, कस्टम्स थे, इसी तरह जो है कन्वेंशंस थे, चार्टर्स थे, इसी तरह स्टेट्यूट्स भी एक सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है. उसके बाद जो है इसको हम डिस्कस करते हैं नीचे कौन से. इट मे बी नोटेड दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ फुली एम्पावर्ड टू चेंज दिस स्टेट्यूट्स व्हेन एवर इट लाइक. क्योंकि यूके में जो है सॉवरेन अथॉरिटी क्या है? पार्लियामेंट है. तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो न्यू लॉज जो है ऐड करें और उसको जो है रिपील करें, उसमें अमेंडमेंट्स लाएं. तो ये सब कुछ पार्लियामेंट के पास पावर है. तो एक पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्लियामेंट आती है तो वो बाउंड नहीं होती कि वो पिछले जो कानून हैं उनको फॉलो करे. तो वो भी पावरफुल होती है और वो पिछली पार्लियामेंट के जो है रूल्स और रेगुलेशंस को चेंज कर सकती हैं और अपने जो है न्यू रूल्स ऐड कर सकती हैं, क्योंकि वो वहाँ का सिस्टम जो है बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, पार्शली रिटन है और वैसे ही तकरीबन अनरिटन है और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है. उसमें जो है मेजॉरिटी जो है बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, और पार्लियामेंट इतनी पावरफुल है कि वो अमेंड कर सकती है. तो इसमें यही बताया गया कि पार्लियामेंट जो है इन स्टेट्यूट्स को चेंज भी कर सकती है. अब कौन से स्टेट्यूट्स हैं? द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट स्टेट्यूट्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. कौन से? नंबर वन, रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832. ये एक एक्ट है जो पार्लियामेंट ने किया, जो पास किया उसने, पार्लियामेंट ने बिल पास करके उसको एक्ट बना दिया. दिस एक्ट एक्सटेंडेड मैनहुड सफ्रेज टू अर्बन मिडिल क्लासेस ऑफ इंग्लैंड. तो पहले जो है इंग्लैंड में जो मिडिल क्लास के जो लोग होते थे उनके पास जो राइट ऑफ वोट नहीं था, तो वो इस एक्ट के ज़रिए पार्लियामेंट ने क्या किया, उनको ये राइट दिया कि मिडिल क्लास जो लोग हैं इंग्लैंड के उनके पास भी ये राइट होगा कि वो वोट कर सकते हैं. उसके बाद जो है सेकंड है पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1911. वो बताता है इट कर्टेन्ड द पावर्स ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड परमानेंटली एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स. इट आल्सो रिड्यूस द लाइफ ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स फ्रॉम 7 to 5 ईयर. अभी मैंने जो मैग्ना कार्टा में आपके साथ डिस्कस किया कि जो है उसके पास पावर होगा ग्रेट काउंसिल के पास के वो टैक्स वगैरह जो है लागू करेगा, उसके पास ये पावर होगा, उसकी कंसेंट से होगा. तो फिर मैंने वहाँ ये बात की थी कि बाद में जो अभी प्रेजेंट टाइम में ये पावर्स उससे ली गई हैं और वो किसके पास है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास आ गई. तो यही चीज़ जो है इसमें अभी डिस्कस करेंगे कि बताता है कि हाउस ऑफ, ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो 1911 है इसने क्या किया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से परमानेंटली जो है पावर्स लेकर हाउस ऑफ कॉमन्स को दे दिए कि ये जो भी पावर्स हैं ये इसके पास आ गए हाउस ऑफ कॉमन्स के पास. और क्या किया, उसकी जो लाइफ थी पहले थी 7 ईयर्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, कि वो 7 साल तक चलता था, अब क्या हो गई 5 ईयर्स. अब वो जो डिसॉल्व होता है उसकी जो लाइफ होती है वो क्या क्या पीरियड होता है उनका, 5 साल. तो वो 5 साल तक चलते हैं. उसके बाद जो है हमारा थर्ड स्टेट्यूट है एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. कौन सा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट्स ऑफ 1918 and 1928. अभी ये दो एक्ट्स हैं, इसमें क्या बताते हैं कि दीज एक्ट्स एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज बाय गारंटिंग द राइट ऑफ वोट टू वुमेन. तो ये जैसे ये एक्ट था रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832, इसी तरह ये दो एक्ट थे, इसमें क्या जो है इन्होंने इन्फोर्स कराया, इन्होंने किया कि गारंटी दिलाई किसको, वुमेन की जो राइट्स हैं उनके राइट टू वोट है उसको गारंटी, उनको यकीनी बनाया कि वुमेन्स को भी राइट दिया जाए कि वो अपना जो है वोट दे सकें. तो उनको जो है ये मतलब एक राइट दिया गया वुमेन्स को. और उसके बाद जो है स्टेट्यूट्स ऑफ वेस्ट मिनिस्टर एक्ट 1931 आ जाता है, उसमें बताता है कि इट रिकोगनाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ द डोमिनंस ऑफ कैनेडा, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. तो ये जो 4 कंट्रीज़ थे इनको इंडिपेंडेंस दी गई इस एक्ट के ज़रिए, स्टेट्यूट्स ऑफ वेस्ट मिनिस्टर एक्ट 1931 के ज़रिए, कि ये 4 जो कंट्रीज़ हैं ये अब इंडिपेंडेंट है और ये अब इनके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ यूके का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड का पावर नहीं चलेगा और ये खुद जो है इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं. तो ये इसमें क्लियर डिक्लेयर किया गया. उसके बाद ये जो है ये एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो ये सब इससे
सबको ये पता है इसके बारे में तकरीबन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में. इसमें बताता है कि इट हैंडेड ओवर ऑल द पॉलिटिकल पावर्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान बाय द डिवीजन ऑफ इंडिया. तो इस एक्ट के ज़रिए क्या किया गया, 1947 में जो सब कॉन्टिनेंट था जो बरसगीर, उसमें इंडिया और जो पाकिस्तान थे उस वो एक ही था बरसगीर. उसके ऊपर किसका पावर चलता था, यूके का. तो यूके का जो क्वीन थी और उनका जो यूके का मतलब गवर्नमेंट थी उनका पावर चलता था. तो फिर जो है हमारी जो इंडिपेंडेंस हुई और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अलग अलग कंट्रीज हो गए और जो उनका पावर ख़त्म हुआ यूके का और इन दोनों को आज़ादी मिली कंट्रीज़ को. तो इसमें ये एक्ट के ज़रिए पार्लियामेंट ने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान जो है अब इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, अब यूके की जो है हुकूमत उन पर नहीं रही. उसके बाद बिसाइड द पार्लियामेंट हैज़ आल्सो इनेक्टेड अदर लॉज सच एज द लोकल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1888, 1924, 1933, द एबडिकेशन एक्ट ऑफ 1936 एंड द मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937. अब इनको आप खुद पढ़ लीजिएगा कि ये खुद ये जो हैं और मज़ीद इन्होंने एक्ट्स दिए हैं कि ये भी एक्ट्स हैं. ऐसे तो बहुत हो जाएंगे, तो हमने जो इम्पॉर्टेंट जो एक्ट्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं. ये भी कुछ आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इनको. उसके बाद हम आते हैं हमारे जो है फोर्थ सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पर, वो क्या है, जुडिशियल डिसीजंस. जुडिशियल डिसीजंस आर द जजमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द ब्रिटिश कोर्ट्स विच डिफाइन द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द डिफरेंट चार्टर्स, स्टेट्यूट्स एंड कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड. जो जुडिशियल डिसीजंस है वो क्या है, प्रेसिडेंट्स. जो अदालत जो है कानून पास करती है, जो रूल्स देती है, उनको प्रेसिडेंट्स कहा जाता है, जुडिशियल डिसीजन कहा जाता है. तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जो क्या बताता है कि जो चार्टर्स हैं, स्टेट्यूट्स, जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और जो कॉमन लॉ, जो ट्रेडिशंस वगैरह, कन्वेंशंस वगैरह चलती आ रही हैं, तो उनको उनकी जो हदूद हैं, उनका स्कोप वो कहाँ से कहाँ तक लागू होगी, उनको जो डिफ़ाइन करता है वो क्या करता है, वो जुडिशियल डिसीजंस डिफ़ाइन करते हैं कि कहाँ कौन सा कानून लागू होगा. तो वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो Great is the importance of judicial decision that Dicey termed the British Constitution as the judge-made Constitution. तो एक Dicey नाम का jurist आया British का, जिसने इसकी importance को देखते हुए judicial decisions की ये कहा कि जो UK का Constitution है वो judge-made Constitution, मतलब जैसे judges ने उनको बनाया है, क्योंकि judges ने इतना important role play किया है कि उसको वो मजबूर हो गया ये कहने को कि judge-made Constitution है UK का. उसके बाद good illustrations are the decisions in the Bishop's case 1670 establishing the independence of the juries and that in Howell's case 1678 vindicating the immunities of the judges. अब ये कुछ जो है judicial decisions हैं, उन्होंने वो discuss किए हैं. वो बताए एक Bushell's case 1670 है जिसमें क्या किया गया, जो judges हैं उनको judges juries जो हैं उनको independence दी गई कि वो कुछ भी मतलब rules वगैरह जो है pass कर सकते हैं, कानून उनको जो है strengthen किया गया, पावर दिया गया. उसके बाद ये दूसरा होवल्स केस भी है, इसमें जजेस को जो है कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई. तो ये कुछ केसेस हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, मज़ीद आपको दूसरे इंटरनेट से भी मिल जाएंगे. उसके बाद हम आते हैं हमारे जो पांचवा जो सोर्स है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर आते हैं. उसमें बताया गया है कि सम ऑफ द एमिनेंट वर्क्स रिटन बाय अथॉरिटीज़ ऑन द सब्जेक्ट आल्सो फॉर्म अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब कुछ ऐसे जूरिस्ट हैं जैसे हमने इधर डिस्कस किया, डाइसे हो गया, या दूसरा भी हमने एक इसमें जूरिस्ट था उनको हमने डिस्कस किया था, उसका मैं नाम भूल गया हूँ. तो ये जो है जूरिस्ट हैं, इन्होंने इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो जो है कि उनके जो रूल्स रेगुलेशंस है और जो उन्होंने बताए हैं चीज़ें बताई हैं, तो उनको भी यूके वालों ने है जो है ऐड कर दिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. तो वो कुछ चीज़ें कौन सी हैं, मैज जो है पार्लियामेंट प्रैक्टिस. तो मैं जो है ये भी एक उनका जो जूरिस्ट था उसने बताया इसमें पार्लियामेंट प्रैक्टिस में उसकी राइटिंग से कुछ इमीनेंट वर्क्स हैं जिसमें बताया कि पार्लियामेंट जो है उसमें कैसे इजलास होंगे, कैसे वो वर्क करेगी, उनके रूल्स रेगुलेशन हर चीज़ जो है पार्लियामेंट प्रैक्टिस में बताई है. तो ये मैं जो है जूरिस्ट, इसका इमीनेंट वर्क भी ऐड किया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में. उसके बाद डाइसी जो है वो डाइसी नाम का भी एक जूरिस्ट है, उसने क्या बताया, लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन.
ये इसका वर्क है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का जो है कानून वगैरह इसमें इसने समझाया है। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास जूरिस्ट ब्लैकस्टोन्स कमेंट्रीज ऑन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी कुछ जो कमेंट्रीज इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो चीज़ें हैं वो भी इन्होंने ऐड कर दी हैं, उसको भी इम्पॉर्टेंट वर्क करा दिया है। और उसके बाद सम ऑफ द नोटेबल एग्जाम्पल, तो ये सब जो थे इम्पॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल्स थे इसके इमिनेंट वर्क्स के। उसके बाद हम आते हैं हमारे सिक्स्थ सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या होता है? ट्रेडिशंस जो यूजेजेस होते हैं, द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ द पीपल, उसको हम कॉमन लॉ बोलते हैं। कॉमन लॉ में बी डिफाइंड एज एन असेंबलेज ऑफ ऑल दोज रूल्स एंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स विच आर द प्रोडक्ट ऑफ स्लो प्रोसेस ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिक ग्रोथ बींग बेस्ड अपॉन द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी एंड लेटर ऑन रिकॉग्नाइज बाय द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो कॉमन लॉ क्या होते हैं? जो काफ़ी अरसे से जो रूल्स और इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स हैं वो चलते आते हैं और हिस्टोरिकल जो ग्रोथ के ज़रिए वो चलते आते हैं और उनको लोग जो है फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंटली जो है उनको फॉलो करते हैं। उसके बाद जो वो यूजेजेस होते हैं, लेकिन अगर जब उनको जो उनकी कंट्री का जो लॉ है वो उनको लीगलाइज कर देता है तो फिर वो क्या बन जाते हैं? वो कॉमन लॉ बन जाते हैं वो यूजेजेस। और सच रूल्स आर अ पार्ट अल्टुगेदर फ्रॉम एनी एक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड इंक्लूड मेनी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंटल एंड लीगल सिस्टम्स एंड आर फुली एक्सेप्टेड एंड एनफोर्स्ड एज लॉ। द प्रीरोगेटिव्स ऑफ द क्राउन, द राइट ऑफ ट्रायल बाय जूरी, द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, द राइट ऑफ रिड्रेस फॉर टॉर्चरस एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंटल ऑफिसर्स रेस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन कॉमन लॉ। तो कॉमन लॉ जो है वो उनका कॉमन प्रैक्टिस है जो शुरू से चलती आ रही हैं। उसमें क्या 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 चीज़ें हैं कि कुछ जो क्राउन के प्रीरोगेटिव्स हैं, मतलब कि अहम जो हुकूक हैं उनको दिए गए क्राउन को, कुछ ऐसी इम्यूनिटीज़ जो हासिल हैं वो भी कॉमन लॉ के थ्रू हासिल हैं। उसके बाद जो है राइट ऑफ ट्रायल बाय जूरी, तो किसी भी शख्स को ऐसे सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक उसका ट्रायल ना चलाया जाए, ये भी एक कॉमन लॉ है, ये भी एक यूजेज है। उसके बाद द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, तो हर बंदे को जो है बात करने की और असेंबली मतलब जो है जमा होने की जो इजाज़त होगी, ये भी एक यूजेज है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो फॉल करता है। उसके बाद राइट ऑफ रेडेस फॉर टॉर्चरस एक्ट्स वगैरह, ये सारे जो हैं यूजेजेस हैं जो कॉमन लॉ में आते हैं और जो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। उसके बाद ये जो नीचे कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले हमने फर्स्ट सोर्स जो डिस्कस किया था वो भी कन्वेंशंस थी, ये भी इसमें भी मज़ीद कन्वेंशंस ही हैं, ये भी सेम ही चीज़ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज द कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लास्ट भी है और ये फर्स्ट भी हो गया क्योंकि हमने फर्स्ट भी ये डिस्कस किया था। लॉ इज एज टू कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सो इंपॉर्टेंट दैट अ सेपरेट पार्ट, पार्ट फाइव इज डेवोटेड फॉर इट। टू रिपीट द कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रूल्स कंसिस्टिंग ऑफ कन्वेंशन अंडरस्टैंडिंग्स यूजेजेस हैबिट्स और प्रैक्टिसेस व्हिच दो दे मे रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द सेवरल मेंबर्स ऑफ द सॉवरेन पावर ऑफ द मिनिस्ट्री एंड ऑफ द ऑफिशियल्स आर नॉट इन रियलिटी लॉ सिंस दे आर नॉट एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, दे आर आल्सो नोन एज रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। तो ये जो है कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको कुछ रूल्स कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी के, अखलाकियात के जो रूल्स हैं, तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेगा उनको कन्वेंशन को कहा जाता है रूल्स ऑफ मॉरलिटी। और थ्रू कंटिन्यूअल यूजेज दीज रूल्स हैव अक्वायर्ड द फोर्स ऑफ लॉ, और जो है कंटिन्यूस प्रैक्टिस के बाद इनको हमने जो है एक लॉ बना दिया है रूल्स को। अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन कन्वेंशंस, दीज अगेन आर फाउंड पार्टली अपॉन प्रेसिडेंट्स एंड पार्टली अपॉन द नीड्स ऑफ टाइम। तो ये जो है वक्त की जो है ज़रूरत और जो प्रेसिडेंट है उन पर पार्टली बेस करता है। अब इन कोर्स ऑफ टाइम दे अक्वायर द फोर्स ऑफ कस्टमरी लॉ, तो टाइम के गुजरने के बाद जो है कुछ टाइम के बाद ये जो है इनको कस्टमरी लॉ का जो है उसकी जो अहमियत दी गई है कस्टमरी लॉ की। और उसमें एक फर्स्ट जो ये डिफाइन करता है 10, नंबर वन द किंग मस्ट असेंट टू और कैन नॉट वीटो एनी बिल पास बाय द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो उसमें फर्स्ट बताता है कि
किंग जो है, जो क्राउन है यूके का, वो बिल किसी जो पार्लियामेंट का जो बिल है दोनों हाउसेस से जो पास आकर आता है तो उसको किंग जो है वीटो नहीं कर सकता, उसको कैंसिल नहीं कर सकता। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी कन्वेंशन है। उसके बाद दूसरी आती है द हाउस ऑफ लॉर्ड्स डज नॉट ओरिजिनेट एनी मनी बिल। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास ये पावर नहीं कि वो मनी बिल को ओरिजिनेट करे, ये पावर किसके पास है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है। उसके बाद मिनिस्टर मस्ट रिजाइन ऑफिस व्हेन दे हैव सीज्ड टू कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जब हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो पावरफुल मोस्ट पावरफुल हाउस है वो हाउस ऑफ कॉमन्स है, और जब कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी अहमियत खो देते हैं और जो है उनको हाउस ऑफ कॉमन्स में वो अहमियत नहीं होती, वो तो उनको क्या है, तो उनको जो है रिज़ाइन करना पड़ता है वहाँ से, क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टूवर्ड्स द हाउस ऑफ कॉमन्स होती है। अगर वो अपना जो है काम सही से अदा नहीं करेंगे तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये भी एक कन्वेंशन है। उसके बाद अ बिल मस्ट बी रीड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर पासिंग थ्रू द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो कोई भी बिल जो अगर हाउस ऑफ कॉमन्स से पास हो रहा है तो उसकी एक कन्वेंशन है कि उसको 2-3 बार जो है रिव्यू किया जाए, उसको पढ़ा जाए पास होने से पहले। उसके बाद है द हाउस ऑफ लॉर्ड्स मस्ट अल्टीमेटली गिव वे टू द हाउस ऑफ कॉमन्स इन द मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो सारे पावर जो है हाउस ऑफ कॉमन को दे देगा कि वो अपने जो है लेजिस्लेशन खुद करे और उसमें खुद इंटरप्शन कोई भी नहीं करेगा, और ये सारा पावर हाउस ऑफ कॉमन के पास होगा। दीज आर मेयर कन्वेंशन, ये कुछ जो है अहम इंपॉर्टेंट कन्वेंशन थी। दीज आर लॉज नॉट इन द सेंस दैट एनी कोर्ट विल रिकग्नाइज देम, इफ एनी ऑफ देम वर वायलेटेड नो कोर्ट वुड टेक नोटिस ऑफ दी वायोलेशन। तो ये कुछ जो हैं लॉज थे इसके जो है पार्लियामेंट के, और इनको जो है अगर ये वायलेट हो जाते हैं तो जो है कोर्ट, अगर उनकी इम्पोर्टेंस होगी तो कोर्ट नोटिस लेगी, अगर इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है और क्योंकि ये सारा पावर पार्लियामेंट के पास होगा तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो उनको पनिश कर सकती है जो इन रूल्स को जो है फॉलो नहीं करेंगे। तो उधर की जो सुप्रीम अथॉरिटी यूके की है ही पार्लियामेंट, कोर्ट के पास इतने पावर्स नहीं है। तो ये 7 जो थे तकरीबन, वैसे इंपॉर्टेंट जो 6 थे कन्वेंशन थे, चार्टर्स और स्टेट्यूट्स, जुडिशियल डिसीजंस, मिनट वर्क्स और कॉमन लॉ, ये 6 जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन थे। तो इसमें जो है आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।